हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं बताऊंगी आप घर पे रहते हुए कैसे फेशियल कर सकते हैं। फेशियल को मेनली 6 स्टेप्स में डिवाइड किया है, विच इज़ क्लिंजिंग, स्टीमिंग, एक्सफोलिएशन, मसाज, फेस मास्क, देन टोनिंग। तो सबसे पहले आपको अपने फेस की क्लिंजिंग करनी है। फेस की क्लिंजिंग के लिए हमें चाहिए होगा एलोवेरा जेल। आप फ्रेश एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं या फिर आपके पास ट्यूब है तो वो यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा जूस लाइक एलोवेरा का जेल बनाने के बाद आप उसमें 2 स्पून जो है मिल्क को मिक्स करेंगे एंड दोनों को बहुत ही अच्छे से विस्क करने के बाद आपको एक सॉफ्ट सा कॉटन का बड लेना है एंड इसमें लाइक जो आपने इस मिक्सचर बनाया है उसमें आपने कॉटन का जो स्पॉन्ज है उसको डैब करना है एंड जितना भी एक्स्ट्रा उसमें लिक्विड है उसको रिमूव करने के बाद धीरे धीरे अपने फेस पर रब करना है एंड अपने फेस की क्लिंजिंग करनी है। गाइज, इस टाइम पे थोड़ा सा स्टिकी हो जाता है बट इट इज़ वेरी बेनिफिशियल कॉज जो एलोवेरा होता है वो आपके स्किन से इरिटेशन को दूर करता है, आपका जो हाइपर पिगमेंटेशन होता है उसमें हेल्प करता है, आपकी स्किन को स्मूथ बनाने में हेल्प करता है एंड मिल्क तो हम बचपन से यूज़ करते ही आ रहे हैं। मिल्क में जो एक प्रॉपर्टी होती है जिसके द्वारा जो ऑयल सॉल्युबल जो डर्ट होता है आपके फेस पे उसको रिमूव करने में हेल्प करता है एंड ऑल्सो जो मिल्क है वो आपके फेस को ब्राइटन अप करने में काम आता है। एज यू गाइस कैन सी कितना ज़्यादा डर्ट मेरे फेस से निकल रहा है। आपको 3 to 4 मिनट्स अपने फेस को अच्छे से क्लिंजिंग करनी है इसी सेम कॉटन को यूज़ करते हुए। पूरा आपको नेक को क्लीन करना है, अपने फेस को क्लीन करना है, आइज़ के पास वाले एरिया को क्लीन करना है। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव क्लिंजर है, आप इसको डेली बेसिस में यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर थोड़ा ज़्यादा मटेरियल बन गया है तो आप उसको फ्रिज में 3 to 4 डेज के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। क्लिंजिंग के बाद बारी आती है स्टीमिंग की। स्टीमिंग के लिए आपको एक बड़े से बाउल में गर्म पानी लेना है एंड गर्म पानी को अपने फेस के नियर रखने के बाद एक टॉवल से अपने फेस को कवर कर लेना है। 5 to 6 मिनट्स तक आपको अपने फेस को स्टीम दिलानी ताकि आपके जो पोर्स हैं वो ओपन हो जाएं एंड गंक अच्छे से रिमूव हो पाए। अब उसके बाद बारी आती है एक्सफोलिएशन की। एक्सफोलिएशन को आपको सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए, टोमेटो एंड कॉफ़ी। दोनों ही आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। टोमेटो को हाफ कट कर लें एंड उसके बाद उसमें थोड़ी सी कॉफ़ी को ऐड करें। जो टोमेटो होता है उसके बहुत सारे स्किन बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि टोमेटो में विटामिन सी होता है तो वो आपकी स्किन को हेल्दी बनाता है, रेडिएंट बनाता है, क्लीन बनाता है। आपकी जो ड्राई स्किन होती है, डैमेज स्किन होती है, उसको रिपेयर करता है। स्किन में जो एक्सेसिव ऑयल जो निकलता है उसको भी टोमेटो जो है कम करने के काम आता है एंड जो लार्ज पोर्स आपके जो ओपन हो गए हैं उनको भी कम करने के काम आता है। एंड कॉफ़ी, गाइस, कॉफ़ी तो अपनी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपने खुद भी सुना ही होगा। कॉफ़ी आपके स्किन की जो ड्राइनेस होता है उसको कम करती है, आपकी जो अंडर आई सर्कल होते हैं उनको कम करती है। मोस्टली जो आई क्रीम होती है उसमें कॉफ़ी ज़रूर होता है एज अ इंग्रेडिएंट एंड आपका जो कॉफ़ी है वो आपके स्किन के सेलुलाइट को भी रिमूव करने के काम आता है। एंड गाइस, व्हाइल आई वाज एक्सफोलिएटिंग माय स्किन, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि मेरा कॉफ़ी का पूरा बहुत अच्छे से कॉफ़ी पीने का मन कर रहा था, बट आई वाज क्लीनिंग माय स्किन। सबसे अच्छी बात है कि ये जो एक्सफोलिएशन प्रोसेस है ये आप अपने फेस के साथ अपने नेक पर भी कर सकते हैं। कॉफ़ी के ग्रैनुल बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं तो आपके फेस पे चुभेंगे नहीं इन कंपैरिजन टू शुगर, कॉज शुगर के जो ग्रैनुल्स होते हैं वो थोड़े मोटे होते हैं तो कभी कभी आपके स्किन पे इरिटेशन भी हो जाती है। एंड अगर थोड़ी सी एक्स्ट्रा कॉफ़ी बचती है तो आप उससे अपने लिप्स को भी क्लीन कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छे से अपने फेस को क्लीन करना है, अपनी गर्दन को क्लीन करना है, फॉर एटलीस्ट 5 to 7 मिनट्स अच्छे से एक्सफोलिएशन करना है। एक्सफोलिएट करने के बाद आपको सिंपली जो ल्यूक वार्म वाटर होता है उससे अपने फेस को धुल लेना है एंड एज यू गाइस कैन सी मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा क्लीन लग रही थी। मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स नहीं है तो मैं कोई भी टूल यूज़ नहीं करती हूँ, सिंपली स्क्रबिंग के बाद ही मेरी स्किन पूरी क्लीन हो जाती है। अब बारी आती है मसाजिंग की। तो मसाजिंग के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए, मेनली कर्ड एंड बीटरूट जूस। उन दोनों को मैं बहुत अच्छे से मिक्स करके मैंने फ्रिज में रख दिया था एंड बिल्कुल क्रीमी कंसिस्टेंसी इसकी हो जाती है। आपको बहुत ही अच्छे से बीटरूट एंड जो कर्ड वाली क्रीम है उसको अपने फेस पे रब करना है सर्कुलर मोशन में अपने चीक्स पर। मैं पूरी प्रोसेस को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी आपको किस तरीके से फेस पे किस पॉइंट को मसाज करना है। आपको चीक्स पे सर्कुलर मोशन में नीचे से ऊपर की तरफ मसाज करनी है एंड आपके जो नोज़ है वहाँ पर इस तरीके से वी वाली शेप में आपको मसाज करनी है एंड देन आपको जो चिन है उसको सीजर के फॉर्म में मसाज करनी है एंड जो आपका चीक बोन वाला एरिया होता है
उसको भी धीरे धीरे अपनी फिंगर्स से ऊपर की तरफ पुश करते हुए मसाज करनी है। मेक श्योर आप इसी तरीके से मसाज करें, तभी आपको जो अच्छे बेनिफिट्स हैं, अच्छे रिजल्ट्स हैं, वो नज़र आएंगे। आपको बहुत अच्छे से फेस को एटलीस्ट 10 to 15 minutes मसाज करनी है। जो बीट रूट होता है वो आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, आपके पिगमेंटेशन को रिमूव करता है, एंटी एजिंग बेनिफिट्स होते हैं, एक्ने को रिमूव करता है, डार्क लिप्स को ब्राइट करता है, आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, डार्क सर्कल्स रिमूव करता है, एंड जो कर्ड होता है वो आपकी स्किन में जो सनबर्न वाले जो चीज़ें होती हैं उससे बहुत ही सूदिंग इफेक्ट देता है, आपके पोर्स को टाइट करता है, प्री मैच्योर एजिंग से बचाता है आपको, एंड इनफैक्ट बहुत ही अच्छा जो स्किन पे ग्लो होता है वो लाने के लिए भी कर्ड बहुत ही अच्छा काम करता है, एंड जो आपके पोर्स बहुत ज़्यादा ओपन हो गए हैं उनको भी क्लोज करने के काम आता है। एंड फॉरहेड पे भी आपको सेम सीजर वाले स्टाइल में मसाज करना है, आपको बहुत ही अच्छे से अपनी आईब्रोज को पुश करना है, एंड जितने भी प्रेशर पॉइंट्स होते हैं उनको बहुत ही अच्छे से रिलैक्स होकर प्रेस करना है, ताकि आपके फेस को बहुत ही अच्छा एंड मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके इस मसाज से। एंड गाइस ट्रस्ट मी, कहीं से भी मुझे ऐसा फीलिंग नहीं आ रहा था इस क्रीम से कि कोई मैंने कोई DIY किया है, बहुत ही अच्छा जो सलोन वाले क्रीम होते हैं वैसा ही मुझे लग रहा था। एंड आपको नेक पे भी बहुत अच्छे से ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में मसाज करते हुए पूरे फेस को अच्छे से कवर करना है, फिंगर्स को फोल्ड करके आपके फेस को मसाज करना है, अच्छे से मसाज करते रहिए, फेस को डैब करते रहिए, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको इस फेशियल से मिलेंगे। फेस को मसाज करते रहेंगे तो 10-15 मिनट के बाद जो ये क्रीम है आपके फेस में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगी एंड आपके स्किन को मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलेंगे। एंड जो क्रीम है वो बहुत अच्छे से आपके फेस से अपने आप रिमूव हो जाएगी। एंड जब क्रीम आपके फेस से धीरे धीरे करके रिमूव हो जाए तो आपको नॉर्मल वाटर होता है उससे अपने फेस को धुल लेना है, एंड यू विल सी, यू विल फील द डिफरेंस ऑन योर फेस। मसाज के बाद बारी आती है फेस मास्क की, तो फेस मास्क के लिए आपको चाहिए होगा फुलर अर्थ, पिंच ऑफ टर्मरिक एंड रोज वाटर। अगर आपके पास रोज वाटर नहीं है तो आप मिल्क या फिर नॉर्मल वाटर से भी काम चला सकते हैं। एंड मैंने इन दोनों चीज़ों के साथ साथ मैंने इसमें मिक्स किया था थोड़ा सा बीट रूट जूस, ताकि बीट रूट जूस के भी जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है वो मेरी स्किन को मिल सके एंड देखने में भी जो फेस मास्क है वो थोड़ा सा अच्छा लगे। तो जो मुल्तानी मिट्टी होती है वो आपके फेस को क्लीन करने के काम आती है, आपकी जो एजिंग वाली प्रोसेस होती है उसको स्लो करने के काम आती है, फुलर अर्थ आपके फेस का जो टेक्स्चर है, जो कॉम्प्लेक्शन है उसको इम्प्रूव करने के काम आती है, एंड जो आपका जो टर्मरिक है वो आपके फेस पे नेचुरल ग्रो लाएगा, स्किन को लाइट करने के काम आएगा, जो स्किन जो ड्राई है उसको रिमूव करने के काम आएगा। तो इसके दोनों ही बहुत ही अच्छे हैं आपकी स्किन के लिए। एंड एज यू गाइस कैन सी, जो मेरा फेस मास्क था वो बिल्कुल जो मार्केट में आने वाले फेस मास्क या क्ले मास्क होता है उसके जैसा ही लग रहा था। एंड गाइस मेक श्योर आप जब भी फेस मास्क लगाएं तो ऊपर से नीचे के डायरेक्शन में लगाएं, एंड जो मसाज होती है वो नीचे से ऊपर की तरफ होती है बट फेस मास्क ऊपर से नीचे की तरफ लगता है। पूरे फेस पे अच्छे से आपको फेस मास्क को लगाना है। एंड गाइस मेक श्योर आप जब भी फेस मास्क लगाएं तो उसके बाद हंसें नहीं, बातें ना करें, बिकॉज अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके स्किन पे इरिटेशन होगी, आपके स्किन पे रिंकल्स भी पड़ सकते हैं। पूरे फेस पे अच्छे से फेस मास्क लगाने के बाद आपको चाहिए होगा अपनी आंखों के लिए दो कुकुम्बर के स्लाइसेस, ताकि आपकी आंखों को थोड़ा ठंडक मिले एंड आपकी आंखों की जो इरिटेशन है वो भी रिमूव हो सके। एंड बहुत ही अच्छे से फेस मास्क लगाने के बाद आपको 10 से 15 मिनट का वेट करना है। 10 से 15 मिनट वेट करने के बाद आपका जो फेस मास्क है वो बहुत ही अच्छे से ड्राई हो जाएगा। जब फेस मास्क ड्राई हो जाए तो आपको नॉर्मल वाटर से अपने फेस मास्क को अच्छे से मसाज देते हुए अपने उसको रिमूव करना है, ताकि आपकी स्किन से जितना भी डर था, जितना भी गंक था, वो सारा का सारा रिमूव हो जाए। एंड अब फेस मास्क के बाद बारी आती है आपका फेस पे टोनिंग की, विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप जो हम अक्सर भूल जाते हैं। तो उसके लिए आपको चाहिए होगा सिर्फ रोज़ वाटर। रोज़ वाटर को अच्छे से अपने फेस पे स्प्रेड कर लें। स्प्रेड करने के बाद आपको अपने फेस पर ऑलिव ऑयल या फिर जो भी ऑयल आपके पास है उससे आपको फेस पर अच्छे से डैब करना है, ताकि आपकी स्किन जो है वो बहुत ही अच्छे से हाइड्रेट हो जाए एंड आपकी स्किन पे कोई भी इरिटेशन ना हो। एंड एज यू गाइस कैन सी, मेरी स्किन एकदम क्लीन लग रही है, मेरी स्किन पे कोई भी डर्ट नहीं है, मेरी स्किन बिल्कुल साफ हो चुकी है एंड आई वॉज फीलिंग सो गुड, बिकॉज मेरी स्किन बहुत ही अच्छे से ब्रीथ कर पा रही थी। होपफुली
आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा एंड ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्पफुल लगा होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया है जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव फन, स्टे होम, स्टे सेफ।